Hey guys, welcome back to my channel. So, ये है मेरे पास पोस्टर कलर जो कि मुझे 20 सेट्स में मिले हैं और इससे मैं आज बनाने वाली हूँ चॉकलेट कलर पर. और बाय द वे ये मेरे कॉलेज का वर्क है. सो यस, सो इसमें हमें दो ब्रश फ्री मिलते हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं. एक फ्लैट ब्रश है एंड आई थिंक सो दैट कि एक, मैंने नंबर नहीं देखा, बट ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ब्रश आपको इसके साथ मिल जाते हैं. तो ये रहा फ्लैट वाइट ब्रश एंड ये रहा अ लिटिल बिट स्मॉल ब्रश. सो आई एम रेडी टू स्टार्ट माई वर्क. फर्स्ट मैं स्टार्ट करूँगी आउटलाइनिंग से, या सभी लोग आउटलाइनिंग से ही स्टार्ट करते हैं. तो पहले मैंने रैपर बनाना है और बहुत ही ध्यान से, क्योंकि मेरी टीचर ने बोला है कि जितना बड़ा रैपर है उसके आई थिंक डबल उसका साइज आप लोग को बनाना है. बाय द वे ये जो मैं सीट यूज़ कर रही हूँ वो आइवरी सीट है जो कि 210 GSM का है. सो आप लोग जितना ही GSM का मतलब ये होता है कि जितना ज़्यादा GSM का सीट होगा उतना ज़्यादा उसकी थिकनेस होगी. सो यह आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा अफोर्ड कर सकते हैं. सो नेक्स्ट डे आई डिसाइडेड दैट मैं पूरा कलरिंग ख़त्म कर सकूँ उसको कलर करके. बट या आई नो इट्स नॉट पॉसिबल मेरे लिए, आई एम नॉट चैलेंजिंग दैट, बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं पहली बार ही कर रही हूँ. सो या 2 से 3 दिन लग सकते हैं. सो ये रहा मेरे पास राउंड एंड फ्लैट ब्रश 0 से 7 नंबर तक. सो मुझे डिटेलिंग इसमें वर्क करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे राउंड ब्रश यूज़ करूँगी. एंड या मैंने एक फ्लैट ब्रश भी लिया था पर जो ज़्यादा एरिया है जो एक कलर का उसको करने के लिए, ताकि फिनिशिंग आ सके. और बाकी डिटेलिंग के लिए मैंने राउंड ब्रश चूज़ किया है. और ये मैंने लिया है 000 नंबर ब्रश
इसका कोई यूज़ नहीं हुआ क्योंकि मैंने अलग से लिया था। सो या दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, सो लेट्स सी कि मैं कितना फिनिशिंग डिटेलिंग्स में दे सकती हूँ। बाकी आगे आप लोग देख लीजिएगा कि मैं कितना फिनिशिंग उसमें दे पाऊँगी। और यस, काफ़ी टफ नहीं है बट या देखते हैं। सो इसमें मुझे थोड़ी सी चैलेंजिंग ये लगा कि इसमें कलर डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ये पॉलीथीन रैपर जो वो साइन कर रहा था लाइट में, तो उसमें इसमें पिंक, बेबी पिंक एंड रेड ऑरेंज ऑल मिक्स था, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। सो फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं बता दूं कि आई एम यूजिंग 0 नंबर ब्रश फॉर, क्योंकि इसमें मुझे बहुत डर लग रहा था तो मैंने 0 नंबर ब्रश ही सही लगा यूज़ करना। सो टुडे इज़ अ फाइनल डे ऑफ माई वर्क एंड आप सब लोग बताना आप सबको कैसा लगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था कोई 3D रैपर को ड्रा करना। तो या यू कैन टेल मी हाउ इज़ इट।